नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 70 में। हम यहाँ महासर जो मंदिर है, यहाँ महासर गांव के जो कुछ लोग हैं यहाँ हमें बैठे हुए मिले हैं, और महासर के कुछ लोगों से हम यहाँ पर पता करेंगे कि 2019 में अभी लोकसभा के चुनाव को लेकर के इनके मन की बातें जानने की कोशिश करेंगे, क्या है इनकी मन की राय। सर, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर, राजेश कुमार। तो राजेश कुमार जी, क्या लगता है 2019 में किसकी सरकार, कौन सा कैंडिडेट पसंद है आपको? बीजेपी का जी, मोदी। अच्छा, जो कैंडिडेट जैसे चौधरी धर्मवीर सिंह को यहाँ से अभी प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है, तो कितना समर्थन मिलता है आपके? पूरा समर्थन मिलेगा। पूरा समर्थन मिलेगा। तो और सरकारों को, कांग्रेस को या और जैसे कई पार्टियां हैं, क्यों पसंद नहीं कर रही आपको? वो जी अपनी अपनी पसंद है, क्या जो उन सरकारों ने कुछ काम नहीं किया और इन्होंने काम करके दिखाया। मोदी सरकार ने अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। चलो, इसलिए इसको लेके आप आप इधर आ जाइए। आप अपना नाम बताइए। सर, वेद प्रकाश, पूर्व सरपंच। पूर्व सरपंच जी, तो क्या लगता है कौन सी सरकार अब होनी चाहिए सेंटर में 2019 में? अभी कुछ ही समय बाद चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपके नज़रिए से? आप ऐसा है, मतलब ये गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नहीं, गठबंधन की कौन सी सरकार बनने जा रही है? ये यूपीए की। यूपीए की? हाँ। तो और यूपीए, यहाँ तो कोई गठबंधन है ही नहीं किसी का। यूपीए गठबंधन नहीं, कहाँ है यूपीए? ये तो आपको एलएसपी बीएसपी का गठबंधन है, मायावती का और यहाँ जैसे राजकुमार सैनी का गठबंधन हरियाणा में। नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। हिंदुस्तान में, यहाँ हरियाणा, हरियाणा में करो ना, हरियाणा के चुनाव अलग होंगे, हिंदुस्तान के बारी बारी चरणों में। ऐसा है, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है मतलब एक भी सीट निकलने की उम्मीद नहीं बीजेपी की। बीजेपी की एक भी सीट निकलेगी? नहीं निकलेगी। हाँ, नहीं निकलेगी। ये तो बहुत बड़ी बात कह दिया आपने, सारे मोदी के भगत हैं और आप नु कह रहे हो बीजेपी की सीट नहीं निकलेगी। फिलहाल मतलब ऐसा है, मतलब कैंडिडेट ही इनको सही नहीं मिल रहे। अच्छा, कैंडिडेट को आप पसंद नहीं कर रहे, तो ऊपर जैसे मोदी जी को किस किस तरह से देखते हैं? मोदी जी की भी सही नहीं है। मोदी जी का ऐसा है, मतलब ये जुमलेबाजी ज़्यादा करता है, और SC BC के लिए तो मतलब ये SC BC के लिए तो दिमाग में ये है कि भाई आगे चुनाव ही नहीं होंगे, ऐसा मतलब वो कर देंगे ये, कि सारी मतलब संस्थाएं अपने कंट्रोल में कर रखी हैं। CBI देख लो, न्यायपालिका देख लो, कार्यपालिका देख लो, हैं। और मुसलमान तो बिल्कुल ही वोट नहीं देंगे, और SC वर्ग है ना, ये तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो और यहाँ से तो मतलब सुश्री चौधरी करीब 2 लाख वोटों में जीत जाएगी। यहाँ से जैसे हरियाणा जो महेंद्रगढ़ इलाका है, भिवानी महेंद्रगढ़ का क्षेत्र है, इनसे आप बता रहे हो श्रुति चौधरी 2 लाख वोटों से। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात होगी सर, क्योंकि हमने जहाँ भी देखा वे ज़्यादातर हमें जैसे जितने गांव का अब तक सर्वे किया मोदी जी का, हमने सुना है, आपने ये बताया कि भी ये दिख ही रहा है। वैसे SC वर्ग है ना, SC वर्ग 95% इसको कांग्रेस को देगी। 95% इनको देगा। हाँ। और बाकी बाकी जैसे और पार्टियां हैं, जैसे LSP BSP का गठबंधन है, JJP का है, इन्हें थोड़े बहुत जाएंगे, मतलब जातिवाद की तरफ से मतलब थोड़े बहुत इनके भी जाएंगे, जो वोट जरूर तोड़ेंगे ये। 95% वो ले लेंगे जब वो। चलो ठीक है सर, आप अपना नाम बताइए। अमरचंद जी, क्या लगता है 2019 में अभी जैसे चुनाव होने जा रहे हैं, 2019 के अंदर जैसे बीजेपी पहले आई थी उससे भी मतलब आगे जाएगी, उससे भी ज्यादा सीट आएंगी? तो ये भाई साहब तो ये बता रहे हैं कि भी एक भी सीट आने वाली थोड़ा बहुत है, तो वो खाली रोहतक वाली पे है और क्लियर है सब। श्रुति चौधरी कोई भी कांग्रेस का बन गया, कभी भी कोई बने, सब ने जेब भरी। एक भी लड़का इस इलाके से नहीं लगा। बेरोजगारी पे दक्षिणी हरियाणा का मुद्दा है, जितनी सरकार बनी है सब उधर के ही लगे हैं, यहाँ का एक भी बच्चा नहीं लगा। इस 5 साल में हर गांव में 4, 5, 3, 10, 20 लड़के लगे हैं और बगैर चिट फंड के लगे हैं, एक रुपया नहीं लगा किसी का भी, एक रुपया भी। तो सरकार जो काम कर रही है बीजेपी, अब 60 साल की जो जड़ जमीन में चली जाती है भ्रष्टाचार की, वो 5 साल में तो मिटती नहीं, एक आदमी कुछ कर नहीं सकता। महकमे तो वही हैं, कर्मचारी भी वही हैं, मगर सुधार तो धीरे धीरे होगा। आगे आने वाले 5 साल में इसका रिजल्ट देखना क्या होता है। तो जैसे अभी ये जो नई पार्टियां हैं उनका किस तरह से देखते हैं? कुछ भी नहीं है, नई पार्टी क्या है, कोई जनाधार नहीं है,
किसी का, खाली इलाके वाइज है कोई, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेंगे, और इनके जो है वो हर जगह वोट है, फिक्स वोट है। जैसे सतवीर नौताना की जो लड़की है स्वाति यादव, जो अभी अभी इन्होंने कहा कि हमें अहिरवाल के का वाला काम करो, यहाँ पहले भी इकट्ठे करो, फिर चिट गिरवाओ, फिर वो करो, ऐसा होता लोकतंत्र में भाई? या तो पोलिंग होगी, जो जीतेगा वही तो जीतेगा, चिट फंड से क्या होता, पर्चियाँ गिरने से क्या होता? तो अमेरिका वाली वो थोड़ी चलेगी, वहाँ पट के आ गई तो यहाँ बनेगी, ऐसा तो नहीं। यहाँ का जैसे कोई माहौल का पता नहीं है उनको? ना ना कुछ नहीं पता, यहाँ का भी कोई आया ही, वो आए ही नहीं है, इधर का पता ही नहीं है। इधर जो है पहले ये चौटाला के साथ थे जैसे, तो अब वो चौटाला ही चोर निकल गया तो पीछे वाले क्या करेंगे? पब्लिक को तो उसका भी तो रंज है ना, कि जो लड़के 3206 लड़के जो पढ़ लिख के एग्ज़ाम दे के पास हो गए वो तो घर रह गए, और पैसे वाले सब लग गए, टीचर में लगे नहीं, टीचर घोटाले में लगे नहीं 3206 लड़के हैं। हमारे पास में एक गांव है तोबड़ा ना, ये जाटों का गांव बोका, 41 लड़के एक डेट में हरियाणा पुलिस में लगे, जबकि इस इलाके का एक बच्चा भी नहीं लगा उसके राज में, सवेरे गाड़ी वहाँ खड़ी। तो मतलब इन्होंने मतलब भेदभाव किया था यहाँ इलाके, बहुत भारी भेद। इस इलाके में मिला क्या, इस इलाके को मिला क्या, एक गांव में एक लड़का भी नौक? हमारे दो लड़के थे इंजीनियरिंग कर रखी थी, 10-10 लाख रुपए रिश्वत के लिए टक्कर मार ली, नहीं लगे, और आज एक नया पैसा नहीं लगे, दोनों के दोनों लगे, एक दर्जियों में लगे, एक ब्राह्मणों में लगे, एक रुपया नहीं लगे उनका। तो जैसे ये नौकरी में जो पारदर्शिता दिखाई है सरकार ने, इसको लेकर के ज़्यादा है दक्षिणी हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा है, क्यों के पानी नहीं है, मेन मुद्दा है नौकरी का, अगर नौकरी है तो रोटी है घर में, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अब एक बच्चे को नौकरी मिल गई तो परिवार तो पाल लेगा, वो क्या करेंगे, वो अपनी जेब भरेंगे, कहते बोले जाटनी जामन सी रहेगी, हीर ने नौकरी लगा दी, बोले नौकरी नहीं है, बड़ा ब्राह्मण को लगा दिया, क्यों लगा दिया? तो सब आप देखो ना, कोई फाइल उठा के जाटों के सब लगे हुए हैं, इधर का एक भी नहीं लगा। तो ये चौधरी धर्मवीर सिंह भी जाट है, श्रुति चौधरी भी जाट है। देखिए ऐसा है, जिसने समर्पण कर लिया, हम इनकी जो बातें थी उनमें समर्पण कर लिया, तो कांग्रेस से आ गया ना छोड़ के, कांग्रेस से छोड़ के आ गया ना, अगर स्वाद होता तो वही रहता, वही रहता कि नहीं? इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, हिंदुस्तान की पहली पार्टी है कांग्रेस, क्यों छोड़ दिया? परिवारवाद, एक ही परिवार के पीछे सारा देश पागल हो रहा है, जिनका कोई ठया ठिकाना नहीं, जिसका कुछ पता नहीं, कहीं पासपोर्ट किसी नाम से बना हुआ अगला, कहीं किसी नाम से है, बोले कौन है, बोले राजीव गांधी, वो गांधी आ गया कहाँ से ये नहीं पता। चलो ठीक है सर, मैं अपना नाम बताइए। सुमेर सिंह। तो सुमेर सिंह जी क्या लगता है कौन सी सरकार आपको पसंद है? हम तो मोदी वोट बोल रहे हैं। मोदी जी को पसंद कर रहे हो? अभी और पार्टी आपको क्यों पसंद नहीं आती, क्या कारण? बस पसंद यही है कि एक नहीं काम ही ना करे, काम नहीं करे। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र शर्मा है। महेंद्र जी क्या लगता है कौन सी सरकार आपके नज़रिए में अच्छी है? मोदी सरकार सबसे अच्छी है जी। मोदी सरकार? हाँ जी। तो जैसे आज भी हमने देखा है उसमें कुछ नहीं हुआ, और अब जो स्वच्छता चली हुई है ना, इसमें मोदी सरकार का ही सब समर्थन कर रहे हैं। हमारे गाँव में या लगभग इस इलाके अंदर बीजेपी है, मोदी सरकार है, मोदी सरकार, हम सब यहाँ के लोग मोदी सरकार के साथ। दक्षिणी हरियाणा जैसे कहते हैं अहिरवाल का क्षेत्र ज़्यादा माना जाता है, तो यहाँ अहिरों के 3 कैंडिडेट खड़े हैं और 2 जैसे चौधरियों के यहाँ से हैं, तो क्या लगता है कितना जनाधार इनमें? यहाँ जाति आधार पर वोट नहीं है जी, क्योंकि लोग कई बार क्या कहते हैं जातीय समीकरण देखते हैं कि जाति में हम ये खड़ा कर दिया, भाई जाति के हिसाब से ये खड़ा कर दिया, तो उसको ज़्यादा वो करते हैं। जैसे अभी कल देखा हमने श्रुति चौधरी किरण चौधरी के साथ रावदान सिंह भी फार्म हाउस पर बैठे हुए थे, और वो कह रहे थे कि रावदान सिंह का काफ़ी दबदबा है, और हम जैसे कोशिश करेंगे कि भी अहिर वालों को भी साथ जोड़ने के लिए, तो ये क्या देखते हैं आप, किस तरह से देखते? नहीं इसमें कुछ नहीं रह जाते का कोई जनाधार नहीं रहेगा, इसमें प्रजातंत्र है, ये सब आज क्या है कि सब समझते हैं, सब जानते हैं। अब की बार हमारे इलाके के अंदर मतलब इतने ज़्यादा नौकरियां मिली हैं, तो इनको देखते हुए कोई जातिवाद का नहीं है, यहाँ स्पष्ट रूप से बीजेपी है और पूरा विकास हुआ है हमारे क्षेत्र का इधर का, और इसमें आरक्षण भी दिया है, जैसे जो ये है ना आर्थिक रूप से 10% का जो आरक्षण दे रखा है जनरल कोटे अंदर, उससे भी इसको बड़ा बेनिफिट मिला है, और इससे भी जाति आधार सब समाप्त हो गए हैं, और यहाँ पर
मोदी जी की लहर है पूर्ण रूप से। मोदी जी आपके गांव में? ठीक है सर, आप अपना नाम? सतवीर सिंह राजपूत। सतवीर जी, क्या लगता है 2019 में अभी चुनाव होने जा रहे हैं तो किसकी सरकार आपको पसंद है? मोदी की पसंद है। मोदी जी की। तो आपके इस गांव में ये जो गांव है क्या गांव इसका बोलते हैं मासर, मासर को में कितने वोट होंगे इस गांव में? साढ़े 600 के लगभग हैं, तो इसमें 500 के लगभग बीजेपी के जाएंगे, 100 के लगभग। तो मतलब करीब इनमें से कम 70% 70-80% के आसपास आप बता रहे हो कि इसमें जाएंगे मोदी सरकार। ठीक है, कुछ और लोग भी आप आएंगे अभी आप? चलो ठीक है सर, ये कुछ लोग थे यहाँ गांव में, हम इनसे जैसे एक एक करके इनकी जो प्रतिक्रिया है वो जानने की कोशिश करी है। यहाँ पर जो ये सारे बता रहे हैं कि हम कुछ एक भाई दो बैठे थे वो कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, और बाकी सभी ने कहा कि भी हम मोदी जी को जो उनकी जो नौकरी प्रति जो क्रियाएँ जो जो पारदर्शिता उसने दिखाई है नौकरियों को लेकर के और आरक्षण जैसे जो दिया है उनको लेकर के ये काफ़ी उनसे प्रभावित है, और ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी को हम पसंद करते हैं और मोदी जी का ही वो जो है बीजेपी पार्टी को ही हम वोट डालेंगे। तो आप देखते रहें न्यूज़ 70। नमस्कार।